हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? ऐसा करते सबको अच्छा होगा, मैं भी मस्त हूँ। और अभी यहाँ पे एक्सरसाइज किया हूँ, क्योंकि जहाँ करते थे वहाँ अब करने लायक तो है नहीं। पूरी तरफ से चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है हर चीज़, वहाँ पूरा कचरा हो चुका है हर जगह पानी से। और उधर बाहर से सारे पानी आ रहा है नदी का और कचरा लेकर आ रहे, तो थोड़ा अजीब गंध आता है, इसलिए वहाँ नहीं करते हैं। यहाँ पर घर पर फ्रेश रहता है एकदम, और छत पर करते हैं एक्सरसाइज, मस्त रहता है यहाँ पर। बाकी यहाँ पे तो हवा भी चल नहीं रहा है, गर्मी थोड़ा हो गया है। कल तो बहुत शानदार मौसम था सुबह में, बट आज नहीं है, मौसम छाया है, धूप तो नहीं निकला अभी। भाई देखो, आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, छाया तो है, बादल जैसा है, बट थोड़ा अभी पत्ता हिल नहीं रहा, हवा नहीं चल रही है, एकदम शांत सब कुछ खड़ा है। और नीचे सफाई हो रहा है, अब देखिए चारों तरफ मौसम पूरा शांत है, एकदम लग रहा है तूफान के पहले की शांति है। भाई तो न्यूज़ में तो आ रहा है आज और कल में आंधी या तूफान आने वाली है ज़बरदस्त, बट भगवान करे ना आए, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी भाई। बाढ़ पानी अभी भी कम नहीं हो रहा है, उतना ही पर टिका हुआ है, लगातार धार मार रहा है रोड पे। तो अब नीचे चलते हैं क्योंकि जाना है कोचिंग के लिए। डुगो अभी सोया है? डुगो कब तक उठेगा? ए, तुमको आज गांव जाना है, मेरे पिताजी आ रहे हैं। वही डुगो, वही उठो उठो, नहीं उठेगा, पापा आ गए हैं तुम्हारे, चलो जाना ना परसों तुम्हारे। अरे तुम रोज परसों बोलता है। अरे कल। हाँ कल, अच्छा देखते हैं कल, देखते हैं। उठो जी छोटे सिंह, इधर इधर बाबा जी बैठे हैं। तो दोस्तों, हम नहा लिया हूँ अब जस्ट, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जा रहे हैं कोचिंग अभी, तो मिलते हैं बाद में आपसे। हाय गाइस, ये देखिए मैं खा रहा हूँ और दही और गुजिया सब्जी रोटी है। अच्छा तो मैं कोचिंग से आ गया हूँ, अब मैं भी खाऊंगा, डू खा रहा है खाना अभी। गाइस आज हम लोग का धान पिटाने वाला है, देखिए सारे चारों लोग मिलकर पिटेंगे। देखिए इधर ट्रैक्टर आ गया है और यहाँ पे धान कुटाएगा हमारा, तो आपको मिलते हैं धान कुटाते समय। तो दोस्तों देखिए, वहाँ से मशीन यहाँ पे आ गई, क्योंकि ज़्यादा दूरी हो रहा था तो ले जाने में प्रॉब्लम होगा, धूप ज़्यादा धूप भी है, यहाँ पे रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे धान गिर रहा है, वहाँ पे चावल गिर रहा है, और छोटू देखिए धान गिरा रहा है उसमें, और इधर डुबू है, और देखिए यहाँ इतने सारे धान रखे हैं, ये सब कुटाएँगे सब। और इधर ट्रैक्टर चल रहा है अपना, सब कोई बैठा आराम से और सारा काम हो रहा है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा धूल रहे तो हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम है थोड़ा। तो अब यहाँ के सारे धान खत्म हो चुके हैं, अब धान कुटा गया और मशीन बंद होने वाली, बाकी सारे चावल यहाँ पे रखे गए हैं कुटवा करके, और देखिए ये चावल कटा गए। तो देखिए मशीन से यहाँ से चावल निकल रहा है और इस थैले में जा रहा है और यहाँ से भर रहा है, और सारा काम खत्म हो गया तो मशीन बंद हो चुका है, अब जाने वाला है। तो देखिए अब जा रहा है, और अब जा रहा है, अब मैं जा रहा हूँ नहाने, तो नहा करके आपसे मिलता हूँ फिर। तुमको नहा लिया क्या तुम? हाँ नहा लिया। कब नहाए हो? बड़ी जल्दी नहा लिया यार, हम भी नहाऊ जल्दी से, क्योंकि इधर हनी का बाल झड़ा रहा है और पीपा जा रही है हनी, इसका लग रहा है पार्लर में गई हो। हम भी नहा रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए ये सब नहा लिए हैं, सब सारे काम किए हैं आज जम करके, सबको ही पूरा इतना धूल उड़ रहा था उसमें से। मैं अधिक किया हूँ। तुम ना एक भी काम नहीं किया है, क्यों नाटक करता है? कितना बोरा लाके आया? 10 बोरा खुद लाडा। एक भी बोरा उठा कर दिखाओ तब मानेंगे। आप तो बोरा दीजिए। चलो उठाओ तो थोड़ा चावल वाला, इसे उठाते हो क्या जी? भागने लगे आप? तो आई जाओ, हम अब चल रहे हैं सोने, अब सो करके उठेंगे उस टाइम, बहुत थक गए हैं, दिन भर काम हुआ, सुबह से थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिला, खाना खा के सीधे काम पे बैठ गए थे, तो अब चलते हैं बाय बाय। तो दोस्तों अभी रात के 10 बज गए, तो मैं जस्ट डिनर कर लिया हूँ, अब जाऊँगा सोने, क्योंकि दिन भर बहुत काम रहा और दिन में सो भी नहीं पाए थे हम, जब आपको बोले थे सोने जा रहे हैं सोए नहीं पाए, क्योंकि डुगू मुझको जगा दिया और शाम को बहुत कुछ काम पड़ गया, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, जिनको वीडियो मेरे से लाइक करते हैं, जो नए लोग सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।